सेठानी जी, वैसे कोई टेंशन नहीं है, मतलब सगाई होने के बाद भले ना एक महीना रहे, एक महीना क्या, भले छह महीना रहे, छह महीना भी क्या, मैं तो कहता हूँ कानपुर का घर बेच के हमेशा के लिए मुंबई आ जाए। सगाई होने के बाद तो सब फ्री आजाद, तो जिसको जहाँ जितना रहना है रह सकता है। बोलो। भले ने जितना मन हो उतना रहे, वो तो क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी ने कुछ गलत बात नहीं दी होगी कि मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, बाप रे पूरा मुंबई घूमने में महीनों लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको एकदम सहृदय होकर कहा कि मुंबई तो एक दिन में घूम सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो चलिए जी अब हम चंदी रामानी जी के घर पे जाएं। हाँ चलते हैं चलते हैं। अरे बाप रे, ये लोग नीचे जाएंगे और सोसाइटी में कोई मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इनसे पहले मुझे नीचे जाकर सबको सब कुछ बता देना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ, आप लोग यहीं बैठे ना बातें कीजिए, क्योंकि अभी क्या है सेठानी जी, बाहर सोसाइटी में बहुत धूप होगी और ये लोग जाएंगे बाहर, किसी ने देख लिया तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे ना कि कौन है ये लोग, इतने कड़ी धूप में क्यों बाहर घूम रहे हैं, किसके मेहमान है। अरे उनको अक्ल नहीं है कि अपने मेहमान को ऐसे कड़ी धूप में बाहर नहीं छोड़ते। वो क्या है कि इतनी कड़ी धूप में किसी ने आपको बाहर देख लिया ना तो हमारा बुरा दिखेगा, और वैसे भी कड़ी धूप सेहत के लिए हानिकारक होती है, और हमें सगाई की बहुत सारी बातें भी करनी है, है ना। भागा सेठ भी आ गए हैं, तो शांति से सगाई की सारी बातें पक्की कर लीजिए, बैठिए बातें कीजिए, मैं दुकान जाता हूँ। अरे सुनो, दुकान थोड़ी देर बाद जाना, पहले हमने जो किराए पे घर लिया है ना उसकी साफ सफाई कर दो। बैबिन जरा इसे झाड़ू पोछा दे देना। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। रुको, आप क्यों करेंगे, ये नौकर को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, मुफ्त की पगार खाता है। तुम्हारा सरनेम सेठ है तो तुम बर्ताव भी सेठ जैसा करोगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल क्या है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि बेटा जिंदगी में झाड़ू पोछा तो कभी करना ही नहीं, इसलिए। झाड़ू पोछा करोगे ना तो कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। तुम काम नहीं करते हो ना इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ गया है, थोड़ा काम कर लोगे ना तो वजन भी कम हो जाएगा और कमर का दर्द भी। लेकिन कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आ रहे हैं पीछे पीछे आपकी मदद करने। मैं भी चलती हूँ। तो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो मैं भी चलता हूँ। अरे आप सब लोग चले जाएंगे तो हम सगाई की बातें किससे करेंगे, आप सब यहीं रुकिए। अरे सब बैठ जाइए। तुम खड़े क्या हो, उस घर में जाके साफ सफाई करो। दिल करता है अभी के अभी सब सच कह दूं, ये बागा बावरी को वादा नहीं किया होता तो अभी के अभी सच में सब कुछ सच कह देता। सेठ जी, सेठानी जी दीजिए जरा अच्छे वाले झाड़ू पोछा। बाप रे, सेठ जी को मेरी वजह से कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं,
भगवान, ये अब कैसी कसौटी ले रहे हैं? बेचारे टप्पू के पापा की सेवा करने के बजाय उनके हाथों में ये झाड़ू पोछा देना पड़ रहा है। मुझे माफ करना टप्पू के पापा। मुझे पता है दया, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बगा के लिए मन मर कर भी ये सब करना तो पड़ेगा ही। चलो बापूजी, चलता हूँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। देखना, भगवान तुझे इसका बहुत अच्छा फल देगा। ए, रुको, हसुमती तुम साथ में जाओ। देखो ये काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई काम रह नहीं जाना चाहिए। मैं तब तक सगाई की बाकी बातें पक्की करके आता हूँ। अरे बाप रे, ये साथ आएंगी तो सोसाइटी में मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा। अरे आप क्यों जा रहे हैं? मैं जाऊंगी ना, मैं सब साफ कर लूंगी। मतलब मैं सब साफ करवा लूंगी। नहीं नहीं, आप रुकिए यहीं पर, सगाई की बातों में आपका रहना बहुत जरूरी है। ओहो, ये लोग एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब खड़ा क्या है, चल। इका, एक घूंघट का है ओढ़ लिया। वो धूप, बाहर धूप बहुत है ना, तो इनको धूप से बहुत परेशानी होती है। थैंक यू सठानी जी। ठीक है ठीक है, चल अब। चल ही तो रहा हूँ भाई। बेचारे टप्पू के पापा। सोसाइटी में से किसी ने मुझे इस नौकर के वेश में देख लिया तो बहुत सवाल करेंगे। बाप रे, जो नहीं मिलने चाहिए थे वही सामने आ रहे हैं। क्या, कहाँ छिपू? अबे ये जेठा लाल लग रहा है ना? नहीं तो? हाँ जेठा लाल ही है। जेठा लाल, वो जेठा लाल, जेठा लाल, जेठा लाल, जेठा लाल। कहाँ भाग रहा है, रुक। ए जेठा लाल क्या बहरा हो गया, बिना सुने चला गया, भाग गया अंदर। अरे ये जेठा जी नहीं होंगे, वो होते तो वो जरूर रुकते ना। बोलता क्यों नहीं है? बोल, हम कब से पूछ रहे हैं। ए बोलना, बोलता क्यों नहीं है? वो आदमी तुझे आवाज दे रहा था तो तुम भागा क्यों? अरे वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर पे भी काम करूं, लेकिन मैं भागा ईश्वर जी के घर के अलावा और कहीं काम नहीं करना चाहता। अच्छा अच्छा, चल अब जल्दी से घर की साफ सफाई शुरू कर दे। क्या किस्मत है मेरी, इन लोगों के आने से पहले घर से निकल गया होता तो बचा उपज कर मजा कर रहा होता। अब मजा नहीं, सजा भुगतो साफ सफाई की। ए, ऐसे खड़े खड़े घर क्या देख रहा है, चल साफ सफाई शुरू कर। देखिए
हमें कल के कल ही सगाई करनी है, इसलिए हमें बहुत सारे काम जल्दी से जल्दी करने होंगे। अरे कल के कल क्या, आज ही सगाई कर लेते हैं। बोर्ड जाने तैयारी है, आप खाए तो अभी लेकर आओ। क्या है ये प्रसंग जल्द से जल्द सुख शांति से हो जाए ना तो अच्छा है। हाँ, जेठिया भी उतनी जल्दी आजाद हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है, सगाई हम कल कर लेंगे। ठीक है, आपको भी कल सगाई करनी है तो कल करते हैं। मैं सबको फोन करके न्योता दे देती हूँ। मैं जल्दी से अंदर जाकर सबको बाघा भाई के बारे में सच्चे बता देती हूँ। मैं जरा अंदर रूम में जाके सबको न्योता देती हूँ। अरे नहीं नहीं, न्योता तो हम बाद में भी दे सकते हैं, उसके पहले सगाई की जरूरी बातें कर लेते हैं। तुम यहीं रुको। अब बात दरअसल ये है कि हमारे पंडित ने कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त निकाला। हाँ, तो हम चंदा रामानी के फ्लैट पर शगुन लेकर आ जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सगाई घर पे नहीं, आपके क्लब हाउस में होगी। वो आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े है ना, उन्होंने बताया कि क्लब हाउस की जगह बहुत बड़ी है। भिड़े भाई। वो क्या है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले। अरे आपको जितने लोगों को आमंत्रण देना हो उतने लोगों को दीजिए। हमारे बाघा भैया की सगाई है, सब लोगों का दिल से स्वागत करेंगे। हम लोग आज रात को ही क्लब हाउस सजा देंगे। क्यों, आप क्यों सजाएंगे? क्योंकि हमेशा ये लोग ही सजाते हैं। बागेश्वर बेटा, ये गणपति उत्सव नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे बागेश्वर को गणपति का मंडप, नवरात्रि का डेकोरेशन, ये सब करने का बहुत शौक है। नहीं बाघा भैया, आपकी सगाई में आपको डेकोरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार टप्पू सेना और अब्दुल भाई को ही करने देना। हाँ बेटा ठीक है। और जेठा भी तो है, वो साइरा जाके डेकोरेशन कर लेगा, उसे काम ही क्या है। ये लोग तो सेठ जी के पीछे ही पड़ गए हैं, पता नहीं और कितना काम करवाएंगे सेठ जी से। बाप रे, थक के ढेर हो गया। बैठ कर गया था? चल चल काम कर। अरे हो गया काम तमाम। क्या मतलब, जरा नजर घुमा के देखिए, साफ सफाई हो गई है। ठीक है ठीक है, चलो मैं चलूं। कहाँ जा रहे हो? वो वाले घर पे, वहाँ भी कुछ काम होगा ना। ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ। अरे आप क्यों आ रहे, आप यहाँ रहिए, आराम कीजिए, मैं आपके पापा को भेजता हूँ। क्या? अरे मतलब वो बावरी जी के पापा को भेजता हूँ। नहीं नहीं, मैं ही वहाँ आती हूँ। वहाँ क्या क्या तय हुआ है वो पता तो चले। चलो। अरे सब्दी जी, आपके कोई काम करने बाकी नहीं है ना? आप तो ऐसे बैठे जैसे सब काम हो गया, कल मंगनी है, ये कैसे होगा सब? सब हो जाएंगे, मैंने सगाई के सारे काम बावरी के मामा मामी को सौंप दिए। वाह, ये अच्छा क्यों? वैसे बावरी की सगाई में कुछ नाच गाना होगा कि नहीं होगा? एक ही बेटी है हमारी, उसकी सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे आप नाच गाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी गोकुल सोसाइटी में तो प्रसंग नहीं होता है ना, तो भी हम लोग नाच गाना करते रहते हैं, तो ये तो प्रसंग है, शुभ प्रसंग है। आओ आओ आओ, बैठो। सब काम ठीक से हो गया ना? हाँ हाँ, सब अच्छे से हो गया। हाँ तो वो तो हो गया ही ना, हमारा जेठिया बहुत होशियार है। जा आराम कर। आराम कर? आराम नहीं, आराम, हाँ मतलब आदरणीय राम का नाम लेते लेते जा काम कर, ऐसा काम है। सोसाइटी में सबको बता दिया? नहीं, मौका ही नहीं मिला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
अरे बाप रे, ये भीड़े कहाँ से आ गया? ये कहीं भांडा फोड़ ना दे। अरे भीड़े साहब, आइए आइए, अंदर आइए। क्या बात है बावरी, उसके मम्मी पापा सब यही पे है? इन्हीं की वजह से हमें इस सोसाइटी में मकान किराए पे मिला है। अच्छा, आप गोकुलधाम में रहने आने वाले थे, आ गए? हाँ। कानपुरिया जी, सगाई को लेकर कोई भी काम हो बता ना, आप सारे गोकुलधाम वासी आपकी मदद करेंगे। अभी भीड़े भाई ने सब सच बता दिया तो सगाई होगी ही नहीं। और भागा, सॉरी, बागेश्वर जी और बावरी जी, आप दोनों को एडवांस में सगाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भीड़े भाई। थैंक यू। क्या बात है भागा, एकदम ड्रेसिंग चेंज है। एकदम जेठालाल की तरह ड्रेसिंग की है। वैसे जेठालाल कहाँ है? ये सामने तो खड़ा है झाड़ू लेके। जेठालाल, ये क्या हालत बन रखी है? आज क्या साफ सफाई करने का मूड है क्या? दुकान नहीं जाना? अरे हमने ही मना किया था, घर में कितना काम पड़ा है, दुकान कैसे जाता? आपने कहा और जेठालाल मान गए? और नहीं तो का, हम बागेश्वर जी की होने वाली सासू माँ जो है, बात तो माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अरे ये सब बातें तो होती ही रहेगी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय। आप क्यों आए हैं, क्या काम है यहाँ पे आपको? वो मैं मेंटेनेंस का चेक लेने आया था। जेठालाल, मेंटेनेंस का चेक दो भाई। जेठालाल का हमेशा का है, हमेशा लेट चेक देता है। मेंटेनेंस के चेक के लिए तुम जेठालाल को क्यों कह रहे हो? तो किसे कहूं? अब भिड़े, तू देख, तू अभी जा, हम चेक बाद में भिजवा देंगे। अच्छा जी, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर आप ऐसे से क्यों कर रहे हैं? वो आँख में थोड़ा कचरा गया था, निकल गया। अच्छा, भिड़े भाई, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं मेंटेनेंस का चेक बाद में दे दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे तू का देना, तुझा का संबंध भागा, चेक तो जेठालाल देगा ना। जेठालाल भाई, देखो मैं कल पूना जा रहा हूँ, आज सबके चेक के साथ में तुम्हारा भी चेक बैंक में डाल दूंगा भाई। दे दो, दे दो, चेक दे दो। हाँ, दे दे जेठा, चेक दे दे इसे। ए, रुक। मेंटेनेंस का चेक जेठा क्यों देगा, बागेश्वर देगा ना। यहाँ का चलो, बागेश्वर क्यों देगा, जेठालाल देगा ना चेक। क्यों भाई, जेठालाल क्यों देगा? अरे पापा जी, पापा जी। हाँ। चेक साइन नहीं करूंगा, सिर्फ देंगे सेठ जी। हाँ। अरे क्या, हाँ चाचा जी, जेठालाल के चेक पे अगर बागा साइन करेगा तो चेक बाउंस नहीं हो जाएगा? अरे तुम्हें सेक्रेटरी किसने बनाया? जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो जेठालाल चेक क्यों देगा? देखो दीसालो, एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो नौकर चेक क्यों देगा? नौकर? कौन नौकर? ती जो झाड़ू लेके खड़ा हूँ, जेठालाल, और कौन? अब तो है कभी साला? मित्रों, हमारे बाघा बावरी की प्रेम कहानी यादगार बनने वाली है। हर वो प्रेम कहानी अविस्मरणीय होती है जिसमें अड़चने आती है, और बाघा बावरी की प्रेम कहानी में तो अड़चनों की कोई कमी नहीं है। जेठा परिवार, गड़ा परिवार एक मुसीबत से निपटता है, एक टेंशन से निपटता है कि दूसरा टेंशन सामने आ खड़ा होता है। अब देखिए,
भिड़े आ गए घर पे मेंटेनेंस का बिल लेके, और हमारे एकमेव सेक्रेटरी को ये पता नहीं है कि यहाँ पे नाटक चल रहा है बाघा और बाबरी की सगाई के लिए। जेठालाल नौकर बने हुए हैं और बाघा सेठ। अगर भिड़े के मुंह से कहीं ये सच निकल गया कि ये घर तो जेठालाल का है और कहीं ये भांडा फूट गया तो फिर सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बाघा और बाबरी की लव स्टोरी का यही दी एंड हो जाएगा और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन ये गड़ा परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि गड़े परिवार इस मुसीबत से कैसे निकलता है और कैसे बाघा बाबरी की सगाई को अंजाम तक पहुंचाता है। ये सब जानने के लिए आपको हंसते हंसते देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।